शायर का पारंपरिक त्यौहार मंडी जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं शायर के पर्व को अभी कुछ दिन शेष हैं और मंडी शहर के बाजारों में अखरोटों की दुकानें सज गई हैं। मंडी की सेरी मंच पर गांव-गांव से बेरोजगार युवा अखरोट बेचने के लिए ला रहे हैं ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। वहीं स्थानीय लोग भी अखरोटों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायर का पर्व पारंपरिक त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर अखरोट के साथ नई फसलों का पूजन किया जाता है और सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। वहीं अखरोट बेच रहे युवाओं का कहना है कि शायर के पर्व में अखरोटों का विशेष महत्व होता है और वे हर वर्ष अखरोट बेचने के लिए यहाँ आते हैं ताकि रोजी रोटी कमा सकें। उन्होंने बताया कि उनके पास 200 रुपये सैकड़ा से लेकर 400 रुपये सैकड़ा तक के अखरोट उपलब्ध हैं। शहर का त्यौहार मंडी में बड़े धूमधाम मनाया जाता है क्योंकि इस समय फसल की नई फसल तैयार होती है, हमारे मक्की तैयार होती है, अखरोट तैयार होते हैं, तो इस सीजन में हमारे अखरोट की पूजा की जाती है, अखरोट से पूजा की जाती है, हमारी मक्की पूजा की जाती है, पेठू होता है, अगर लोकल पेठू बोलते हैं तो पेठा की उस से इसकी पूजा करते हैं, तो इसलिए इसका हमारा बहुत ज़्यादा महत्व है। ये हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है पहाड़ियों का, खासकर पहाड़ियों का ये इसमें हमारे, और इसके साथ साथ हमारे एक और चीज़ है जिसको हम बाबुल भल्ले बोलते हैं, तो बाबुल भल्लों का भी हमारा इसके साथ पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये हमारे मंडी का ये त्यौहार। हमारे मंडी में शहर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, हर वर्ष की तरह हिमाचल में काफ़ी प्रसिद्ध है त्यौहार। इसमें शहर की पूजा होती है, लोकल जो सुबह उठ के पूजा करते हैं और उसके अखरोट, लोग बच्चे अखरोट भी खेलते हैं इसमें, और अखरोट का जो रेट है आजकल मार्केट में जो बड़ी अखरोट है वो 300 रुपये के आसपास है, वैसे तो 200 भी है लेकिन वो अच्छा नहीं है, जो 300 का अखरोट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। आज विधानसभा पाल चौकी क्षेत्र से हूँ और ये अखरोट बेच रहे हैं मैं, और ये जो अखरोट है ये 200 रुपये है, 250 है, 400 रुपये, 400 तक बेच रहे हैं हम, तो वह है सर ठीक ही। वैसे शायर में अखरोट का क्या महत्व मानते हैं आप, क्या है अखरोट सर? इसमें कुछ छोटे काठुए भी बोलते हैं, काठुए बोलते हैं, नरम भी होते हैं, कागजी भी बोलते हैं, उस हिसाब से है सर। जैसे ये है, ये नरम है, ये हाथ से भी फूक जाता है, इसको हम 250 रुपये बेच रहे हैं। ये सर थोड़ा बड़ा साइज है, इसको 300 भी बेच रहे हैं, 400 भी बेच रहे हैं, इसमें भी गिरी बढ़िया निकलती है, उस हिसाब से हम बेचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।